Welcome friends, in today's session of Business Regulatory Framework, we are currently dealing with Unit 3, Companies Act 2013. Friends, we have started with this chapter. In the previous session, the name of the chapter is Memorandum of Association, and in the previous session, we have understood what is Memorandum of Association and what are its various clauses, including name clause, register office clause, object clause, liability clause, capital clause, association clause. ये क्लॉज समझने के बाद ये समझना जरूरी है कि ये क्लॉज के अंदर अगर अल्टरेशन करने हो, चेंजेस करने हो, वेरिएशंस करने हो, मॉडिफिकेशन करने हो, तो क्या ये पॉसिबल है? तो आंसर है यस सर, वी कैन चेंज द वेरियस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट है और नाम बदलने की बात हो रही है तो वो नाम बदल सकती है, लेकिन इसकी प्रोसीजर जो है प्रोसीजर के बेसिस पे नाम बदला जा सकता है. So alteration of memorandum of association, let us try to understand now the answer of this question, how you are going to present. Alteration of memorandum of association involves compliance with prescribed procedure. Alterations only to the extent necessary for simple and fair working of the company would be permitted. Alteration memorandum ke andar aap karna chahe to kar sakte hain, lekin iska jo procedure prescribe kiya gaya hai us procedure ko follow karke aap isko kar sakte hain. यानी मेमोरेंडम के अंदर अल्टरेशंस यानी कि चेंजेस करने हो तो कर सकते हैं. ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट के अंदर वेरियस क्लॉज के अंदर हम अल्टरेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं. और इसका जो भी सिंपल एंड फेयर वर्किंग होगा सर, जो कंपनी के हित में होगा वैसा परमिशन आपको मिल सकता है. इट कैन बी परमिटेड इफ इट इज इन फेवर और इट इज इन फेवर ऑफ कंपनी तो परमिशन मिल सकती है, लेकिन फेयर और जस्टिफिकेशन के साथ आपका अल्टरेशन होना चाहिए. मीन्स फेयर रीजन होना चाहिए तो अल्टरेशन के लिए आपको परमिशन मिलेगी. अल्टरेशन शुड नॉट बी प्रिजुडिशियल मीन्स हार्मफुल टू द मेंबर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी एंड शुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स एंड द क्रेडिटर्स. तो अल्टरेशन की वजह से किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, खास करके जो कंपनी के मेंबर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, और जो कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे क्रेडिटर्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यानी जो कंपनी के साथ थोड़ा बहुत जुड़े हुए हैं उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है. और यहाँ तो कह सकते हैं कि जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए. यानी किसी को भी नुकसान हो करके हमें अल्टरेशन नहीं करना है, किसी को भी हार्म करके हमें अल्टरेशन नहीं करना है. कंपनी ने सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, सबको साथ लेके चलना है. किसी को भी नुकसान ना हो उस तरीके से अल्टरेशन की अगर प्रोसीजर फेयर एंड जस्टिफाइबल है, सिंपल है तो कर सकती है. कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड एज अंडर. तो इसके जो कंटेंट है, कंटेंट यानी क्लॉज, नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ये जो छह क्लॉज है उसमें अल्टरेशन की प्रोसीजर अब हम देखने की कोशिश करेंगे. अभी फिलहाल हम नेम क्लॉज का अल्टरेशन कैसे किया जा सकता है वो समझने की कोशिश करते हैं. कंपनी ने अपना नाम बदलना है, मान लीजिए यूटीआई बैंक से एक्सिस बैंक करना है, जो हो चुका है फ्यूचर पास्ट में यूटीआई बैंक से एक्सिस बैंक किया गया था, तो इस तरीके से अगर नाम बदलना है किसी कंपनी ने अपना तो उसकी प्रोसीजर क्या है. हम हमारा नाम बदलने की बात करते हैं कभी कभी, हमें हमारा नाम पसंद नहीं होता है कि हमारा नाम जब हमारा बर्थ हुआ था जब माँ बाप ने रखा वो नाम हमें पसंद नहीं, तो उसको अगर बदलना है तो सर वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एफिडेविट, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? तो कंपनी अगर नाम बदलना चाहती है तो क्या है पॉसिबल है? हाँ सर, हो पॉसिबल है. उसकी प्रोसेस देखते हैं क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अल्टरेशन इन केस ऑफ नेम क्लॉज. तो अब नेम क्लॉज की अल्टरेशन की प्रोसीजर हम डिटेल में अब समझने की कोशिश करेंगे. कंपनी कैन इफेक्ट द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल. स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा, खास ठहराव पसार करना होगा, जो मेंबर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, सामान्य सभा जो बुलाई जाएगी सभ्यों की, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा. और इसके साथ साथ दूसरा काम क्या करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी. तो ये दो चीजें अगर होती है तो हम कर सकते हैं चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे सामने, ये दो प्रोसेस, दो पॉइंट का प्रोसेस है. अगर ये कर लेते हैं तो वी कैन चेंज द नेम ऑफ द कंपनी. दो तरीके से नाम बदला जा सकता है, या दो सिचुएशन है और दो सिचुएशन के अंदर नाम बदला जा सकता है. पहली सिचुएशन है अल्टरेशन ऑफ नेम एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कंपनी. कंपनी खुद रिक्वेस्ट करती है हमें हमारा नाम बदलना है,
कंपनी खुद रिक्वेस्ट करती है सामने से फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ द कंपनी, और दूसरी सिचुएशन है अल्टरेशन ऑफ नेम एज पर द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। खुद गब्बर कह रहा है जो आपने नाम रखा है उसको बदलिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डायरेक्शन कर रही है, ऑर्डर कर रही है चेंज द नेम ऑफ द कंपनी। तो ये दो सिचुएशन है या ये दो तरीके हैं जिसकी मदद से कंपनी का नाम बदला जा सकता है। पहली सिचुएशन है ही हम खुद सामने से, कंपनी खुद सामने से रिक्वेस्ट करती है कि हमने जो नाम रखा है हमें वो नाम बदलना है। जैसे हम हमारा नाम खुद का पर्सनल नेम चेंज करने की बात करते हैं, वैसे ही कंपनी खुद भी अगर अपना नाम चेंज करना चाहे तो कर सकती है। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट द नेम ऑफ द कंपनी मे बी चेंज्ड एट एनी टाइम बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड विद द रिटर्न अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही दो बातें, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग में, और दूसरा है रिटर्न अप्रूवल, कंसंट चाहिए, परमिशन चाहिए मोदी जी की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की। ये दो चीजें करनी है, प्रोसेस करनी है। तो हम हमारी रिक्वेस्ट अगर ये एक्सेप्ट हो जाती है तो हम हमारा नाम चेंज कर सकते हैं कंपनी का। हाउ चेंज ऑफ द नेम इन्वॉल्व्स ओनली द एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट व्हेन पब्लिक कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनी, और इट मे बी वाइस वर्सा। अगर कंपनी के नेम के अंदर प्राइवेट शब्द ऐड करना है या प्राइवेट शब्द हमें डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इफ देयर इज अ कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है पब्लिक से प्राइवेट में या प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है, तो वहां पे नेम चेंज में क्या नेम चेंज होगा, सिर्फ प्राइवेट वर्ड अगर एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना, नाम वही है। मान लीजिए पराग प्राइवेट लिमिटेड नाम था, प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट से पब्लिक की गई, तो सिर्फ क्या करना होगा, प्राइवेट शब्द निकाल देना, पराग लिमिटेड हो गया इस तरीके से। तो इसके लिए फिर परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तो छोटी बात है, सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं। अब प्रोसीजर क्या है नेम चेंज का एग्जैक्टली, तो ये समझ लेते हैं। इसको आपने अच्छे से लिखना है, ये जो 6 पॉइंट की अब हम चर्चा करने वाले हैं वन बाय वन, ये 6 पॉइंट की प्रोसेस है और ये प्रोसेस आपने फॉलो करनी है, एग्जाम में लिखनी है अच्छे से, खास इसी पैटर्न में आपका आंसर होना चाहिए। पहला पॉइंट है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल पास अ रिजोल्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेम चेंज। पहले सबसे पहले क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इकट्ठा होंगे, इनकी मीटिंग होगी और ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन यानी सामान्य ठहराव पसार करेंगे, जिसके अंदर ये लोग रिकमेंड करेंगे कि हाँ कंपनी का नाम जो नाम है वो बदलना चाहिए। तो वो रिकमेंड करेंगे, लेट अस रिकमेंड टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, कोई कारण होगा वो कारण के हिसाब से वो कर सकते हैं सर। कारण भी अंदर दर्ज करना होगा, व्हाई यू आर सपोज टू, वी आर रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम, कुछ रीजन भी देना होगा। आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द कंपनी शैल फाइल और अपलोड फॉर्म नंबर 24 ऑन द MCA पोर्टल अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फी फॉर द नेम अवेबिलिटी। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अप्रूवल दे देते हैं नेम चेंज का, तो उन्होंने क्या करना है सर, रिसोल्यूशन पास किया है, तो रिसोल्यूशन पास करने के बाद क्या करना है, ये रिसोल्यूशन अपलोड कर देना है MCA पोर्टल पे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो पोर्टल है MCA पोर्टल, उस पर ये फॉर्म नंबर 24 अपलोड करना है रिलेटेड विद दिस प्रोसीजर के अंदर। ये जो फॉर्म नंबर 24 है ये अपलोड कर देना है, इस पर इंफॉर्मेशन फिलअप करके, और साथ साथ में प्रेस्क्राइब फी फॉर नेम अवेबिलिटी ये भी अपलोड करना है। नाम हमने बदलना है ना, तो दूसरा नया नाम चाहिए ना हमें, तो 6 प्रपोज्ड नेम दूसरे आपको देने होंगे, और उस 6 नाम के साथ साथ ये जो फॉर्म होगा अवेबिलिटी ऑफ नेम वाला फॉर्म वो भी अपलोड करना है, और ये 6 में से एक नाम आपको बाद में दिया जाएगा, अवेलेबल है या नहीं बताया जाएगा। कौन बताएगा, MCA बताएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताएगा। तो आपने एक तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो कंसेंट लेटर है, ये रिसोल्यूशन लेटर है वो अपलोड करना है, साथ साथ में जो अवेबिलिटी ऑफ नेम का लेटर है या डॉक्यूमेंट है या एप्लीकेशन है वो अपलोड करनी है, दो चीज़ें अपलोड कर देनी है, और जो फीस है प्रिस्क्राइब फीस वो पे कर देनी है। तो ये प्रोसेस करने के बाद हमारा काम यहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद MCA का काम शुरू होता है। इफ़ द सेड नेम इज़ अवेलेबल, हमने जो 6 नाम दिए होंगे, पुराना जो नाम था उसकी जगह पे हमें जो नया नाम चाहिए उसकी कुछ लिस्ट हमें दे देनी होगी। मान लीजिए 6 नाम दिए हमने, तो 6 में से जो एक नाम अवेलेबल होगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से, ऑर्डर के हिसाब से जो 6 नाम आपने ऑर्डर में रखे होंगे, आपको पहले कौन सा अच्छा लग रहा है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा,
वो जो ऑर्डर में आपने रखा होगा उसके हिसाब से जो अवेलेबल होगा वो नाम आपको दिया जाएगा। तो MCA विल इशू अ नेम अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ एप्लीकेंट, यानी हमें एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा कि भाई आपने जो 6 नाम दिए थे उसमें से ये नाम अवेलेबल है, तो इसका ये सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं। उसके बाद क्या करना होगा आगे सर, देयर आफ्टर द शेयर होल्डर्स हैव टू पास अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू द नेम चेंज एंड द सेम शैल बी अपलोडेड। पहले तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन लोगों ने जो रिजोल्यूशन पास किया ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन वो अपलोड करना है, साथ साथ में नेम अवेलेबिलिटी का फॉर्म अपलोड करना है और प्रिस्क्राइब फी पे कर देनी है। उसके बाद MCA का काम शुरू होता है, MCA हमें बताएगा कि भाई 6 में से कौन सा नाम अवेलेबल है। ये जब फाइनल हो जाए उसके बाद हमें शेयर होल्डर्स की एक जनरल मीटिंग बुलानी है और शेयर होल्डर्स उनका कंसर्न देंगे यानी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे। और उस स्पेशल रिजोल्यूशन में क्या होगा सर, दे विल गिव द इफेक्ट टू द नेम चेंज, जो नाम बदला गया है जो अंदर सुझाव दिया गया है नाम बदलने का अंदर, उसके लिए वो अपना कंसर्न दे रहे हैं, दे आर रेडी टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी, और इसको भी फिर अपलोड कर देना है MCA पोर्टल पे। तो ये सारी चीज़ें, ये प्रोसीजर इतनी कंप्लीट करनी है। शेयर होल्डर का भी जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया ये भी अपलोड करना है MCA पोर्टल पे। और इसके बाद क्या होगा सर, आफ्टर सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल कंप्लायंस द ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विल इशू अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद न्यू नेम ऑफ द कंपनी। एक फ्रेश सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नाम बदला है तो नाम की इफेक्ट कहाँ होगी, हमें जो लाइसेंस मिला था कंपनी स्टार्ट करने के लिए जिससे कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर नया नाम डालना पड़ेगा ना, नया नाम दर्ज करना पड़ेगा। तो ये नए नाम वाला नया सर्टिफिकेट आपको इशू करेगा, कौन इशू करेगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इशू करेगी। व्हेन एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी इज मेड देन ROC शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इज इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम एंड इशूज अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद द न्यू नेम। अब ऐसे प्रोसेस के अंदर क्या किया जाएगा, जब ROC क्या करेगा, जब नाम बदला जाएगा तो ROC क्या करेगा, रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या करेगी, शैल एंटर द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड नेम, यानी पुराने नाम के सामने नया नाम दर्ज करेगी, रजिस्टर करेगी अपने बुक्स के अंदर, अपने रजिस्टर के अंदर, और उसकी जगह जो पुराना सर्टिफिकेट था उसकी जगह क्या होगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी नया लाइसेंस नए नाम के साथ दिया जाएगा। एंड द चेंज इन द नेम शैल बी कंप्लीट एंड इफेक्टिव ओनली ऑन द इशू ऑफ सच सर्टिफिकेट। आपकी प्रोसेस कब कंप्लीट मानी जाएगी और कब से लागू हो जाएगी, जिस वक्त आपको सर्टिफिकेट मिला है, ऑन द इश्यू ऑफ सच सर्टिफिकेट, जिस दिन को आपको ये सर्टिफिकेट मिला है उसी दिन से ये नया नाम कंपनी को मिल चुका है ऐसा माना जाएगा। तो ये प्रोसीजर है, जब आप खुद सामने से अप्लाई करते हैं कि हमें नाम बदलना है कंपनी का, तो ऐसी प्रोसीजर हमने फॉलो करनी है। ये पहली सिचुएशन हमारी चर्चा हमने की। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि आपने जो नाम रखा है वो नाम बदल दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जब ऑर्डर करती है तब हमें क्या प्रोसेस करनी चाहिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। हम सामने से नहीं जा रहे हैं नाम बदलने के लिए, अब हमें खुद गब्बर कह रहे हैं नाम बदलिए, तो ऐसा ऑर्डर कब आएगा, ऐसा डायरेक्शन कब आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कब हमें कहेगी नाम बदलिए, तो वो सिचुएशनल है, वो सिचुएशनल थोड़ा समझते हैं। अल्टरेशन ऑफ नेम एज पर डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से या डायरेक्शन से, उनके निर्देश से, उनके आदेश से हमें नाम बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इसकी चर्चा सेक्शन 16 के अंदर है, देखते हैं। इफ थ्रू इनएडवर्टेंस और अदरवाइज अ कंपनी ऑन इट्स फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन बाय अ न्यू नेम हैज बीन रजिस्टर्ड विथ अ नेम विच इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज आइडेंटिकल विथ और टू क्लोजली रिसेंबल्स द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। अब ये समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है नाम रखते वक्त कंपनी की गलती हो गई हो, शरत चूक हो गई हो, इन एडवर्टेंस यानी असावधानी हो गई हो, शरत चूक हो गई हो, बाय मिस्टेक उन्होंने जो नाम रखा है कंपनी का, जो नाम दिए हैं, कुछ नाम जो सिलेक्ट हुए अंदर से, वो नाम हो सकता है उस नाम की कंपनी पहले से ही मार्केट में हो। मान लीजिए हमने नाम रखा हो पारस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी हो, तो और पारस नाम की कंपनी पहले से ही मार्केट में हो, या पारस से मिलता जुलता नाम, आइडेंटिकल विथ, मिलता जुलता नाम, सिमिलर नेम, या उसके आसपास का नाम, टू क्लोजली
अगर इस तरीके के नाम हैं तो वहाँ हो सकता है पीछे से बाद में आपको ऑर्डर किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है, या आपने जो नाम रखा गया रखा है इट इज आइडेंटिकल विथ और इट इज टू क्लोजली विथ द एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी इस नाम की कंपनी पहले से है मार्केट में, तो आप अपना कृपया नाम बदल दीजिए कंपनी का, उसकी प्रोसेस कीजिए। ऐसा ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है व्हेन द नेम इज आइडेंटिकल और इट इज टू क्लोजली रिसेम्बल्स विद द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस इन द मार्केट। पहले से ही ऐसी कंपनी का अस्तित्व है जो नाम आपने रखा हुआ है, तो प्लीज चेंज द नेम। इस तरीके से ऑर्डर किया जा सकता है। द कंपनी मे चेंज इट्स नेम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का समय हमारे पास फ्रॉम द इश्यू ऑफ सच डायरेक्शन। 3 महीने के अंदर हमने आगे की प्रोसेस करनी है। जैसे ही हमें ऑर्डर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे पास 90 डेज है और 90 डेज में हमने ये प्रक्रिया पूरी करनी है। प्रक्रिया में करना क्या होगा, बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन एंड बाय ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन राइटिंग। ये दो काम करने हैं, एक ऑर्डिनरी रिसोल्यूशन पास करना है और दूसरा जिसने हमें ऑर्डर किया है उससे परमिशन लेना है। भाई आपने कहा है नाम बदलना है तो आप ही परमिशन दे दीजिए पहले, तो हम नाम बदले आगे की प्रोसेस करें। तो राइटिंग में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले लेना है और ऑर्डिनरी रेसोल्यूशन पास करना है। इसके बाद चेंज ऑफ नेम शेल नॉट बी अलाउड टू। अब हम कॉमन बात करेंगे, दो जो सिचुएशन थी वो हमारी पूरी हुई। अब यहाँ पे जो कॉमन बातें चेंज ऑफ नेम की वो थोड़ी देख लेते हैं और जो नियम है इनके साथ वो थोड़े देख लेते हैं। चेंज ऑफ नेम शेल नॉट बी अलाउड टू अ कंपनी विच हैज डिफॉल्टेड इन फाइलिंग इट्स एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनी डॉक्यूमेंट्स ड्यू फॉर फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार और विच हैज डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ मैच्योर डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग नहीं की हुई है, एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए विद द रजिस्ट्रार, यानी कुछ डिफॉल्ट किया है, कुछ गलती की है, कुछ गड़बड़ की है, जॉब तक कंप्लीट नहीं की है कंपनी ने, कुछ रीपेमेंट बाकी है, डिपॉजिट्स जो पब्लिक से ली हुई है तो पब्लिक डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए, डिबेंचर्स के पैसे बाकी है रिडीम नहीं किए, पब्लिक को नहीं दिए, ब्याज नहीं दिया उसके ऊपर, ये सारी सिचुएशन है, तो ऐसी कंपनी अपना नाम नहीं बदल सकती है। एज पर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1, वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम और ऑब्टेन्स अ न्यू नेम, इट शैल विथ इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस टू द चेंज टू द रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमने नाम बदला है तो हमने जो नाम बदला है उसकी हमने प्रोसेस तो कर ली, रिसोल्यूशन पास कर लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन ले ली, तो ये जो भी हमने प्रोसेस किया है इसकी इंफॉर्मेशन इसकी नोटिस हमें किसे देनी है, जिससे हमें लाइसेंस मिला था, रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार को हमने इसकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देनी है, नोटिस भेज देना है, इन्फॉर्म कर देना है 15 दिन के अंदर। जैसे हमारी प्रोसेस कंप्लीट होती है हमारे पास 15 दिन का वक्त है, 15 दिन के अंदर हमने रजिस्ट्रार को इसकी इंफॉर्मेशन दे देनी है, नोटिस दे देनी है। हम रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे तो आगे हमारी कार्यवाही होगी, हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड। तो हमारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में और मेमोरेंडम में जो चेंजेस होंगे वो कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा, बाद में करेगा ना, आप पहले बताओगे तो वो करेगा ना। इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शन, 15 दिन के अंदर हमने प्रोसेस नहीं की, यहाँ कोई गलती की है प्रोसेस करने में, कुछ डिफॉल्ट किया है, जो रिसोल्यूशन पास किया उसमें कुछ गड़बड़ी की हुई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इफ अ कंपनी मेक्स डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी डायरेक्शन, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था वो आपने पूरा नहीं किया हो, 90 दिन के अंदर प्रोसेस करनी थी नहीं किया आपने, सो अंडर सेक्शन 16(1) तो कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन ऑफ ₹1,000 फॉर एवरी डे। 90 दिन की समय सीमा दी थी और उससे ज्यादा हो रही है, आप आगे की प्रोसेस नहीं कर रहे हो, नाम चेंज नहीं कर रहे हो, तो हर दिन का आपका चार्ज लग जाएगा कंपनी को ₹1,000 का। ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, जिसकी वजह से डिफॉल्ट हुआ है जो ऑफिसर है, एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 बट विच मे नॉट एक्सटेंड टू 1 लाख, यानी 1 लाख तक की पेनल्टी की प्रोविजन है, पनिश फाइन लगाया जाएगा अगर प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट नहीं किया गया है कंपनी ने।